सितंबर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने नई रेत नीति लागू की है, जो अधिकारियों के लिए चांदी काटने का जरिया बन गई है। नए नियम के अनुसार प्रदेश भर में रेत की रॉयल्टी बंद हो चुकी है, स्टॉक परमिशन भी अभी तक बंद ही है, मतलब रेत का परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिसको लेकर कार्यवाही जारी है। धार के किला मैदान पर देर शाम को खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचे और खड़े हुए ट्रक चालकों से पूछताछ कर दस्तावेज जांचे। इस दौरान अधिकारियों और रेत व्यापारियों में विवाद बढ़ गया। मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किए। बताया जा रहा है कि जब से जिला खनिज अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है, तब से अवैध खनन और परिवहन जोरों पर है। बिना सेटिंग के ही कुछ भी संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में रेत से भरे हुए ट्रक मंडी में जमा हुए? अगर मिलीभगत नहीं है तो फिर कार्यवाही के बजाय रेत सप्लायर को समझा समझाइश क्यों दी जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस बड़े विभाग के अधिकारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जब समाचार एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता जितेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे तो देखा कि रेत सप्लायर मीडिया कर्मियों से भी हुज्जत कर रहे थे। तभी मीडिया कर्मी द्वारा धार SP आदित्य प्रताप सिंह को फोन लगाया गया, जिससे मौके पर पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। समाचार एक्सप्रेस का एक बड़ा सवाल है कि आखिर रेत विक्रेताओं के सामने खनिज अधिकारी क्यों नतमस्तक देखे गए? आगे हम आपको दिखाएंगे कि धार जिले में कहां कहां अवैध उत्खनन हो रहा है और क्यों हो रहा है और किसकी कृपा से हो रहा है। बड़ा खुलासा होगा बहुत जल्द सिर्फ समाचार एक्सप्रेस पर। अगर हो तो ईमानदारी से ले जाके खड़ी कर देगा, उसकी केवल खनिज के एक्ट में ही कार्रवाई होगी। और अगर जो नहीं खड़ी करेगा उनमें सभी एक्ट लगाऊंगा मैं 379। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।